हेलो फ्रेंड, केशव श्लोक, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। यार, कुछ लोग का मानना है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो हर जगह पे कॉम्पिटिशन है, लेकिन देखा जाए तो इस फील्ड में मेहनत कम है और ग्रोथ सबसे ज्यादा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करते हो तो आपकी जो चैनल की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होगी दूसरे कंटेंट या दूसरे चैनल के मुकाबले। तो अगर आप मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को जानना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कॉन्टेंट कहाँ से ढूंढेंगे अगर आप मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो कॉन्टेंट के बारे में बात करेंगे, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है इसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, अगर आप फेसकैम वीडियो बनाना चाहते हैं या वॉइस ओवर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आप वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो हम बात करेंगे कि आप वीडियो कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इन सारी चीजों को जानने के बाद आप एक अच्छा सा मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो क्रिएट करेंगे और अगर ये सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी चैनल पे ग्रोथ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे जो पहली चीज है कि आपको कंटेंट कहां से मिलेगा, तो कंटेंट आपको चार जगह पे मिलेगा। पहली जगह है YouTube। तो YouTube में आप कोई भी, जब आप YouTube पे जाओगे सर्च करोगे मोटिवेशनल वीडियो तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो यहां पे आप किसी चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, तो उसके चैनल की वीडियो को उठाइए, जो भी लॉन्ग वीडियो होती है उनको देखिए और उनको देखने के बाद आप उसका निष्कर्ष तो जरूर निकालेंगे या फिर कोई पॉइंट पकड़िए कि यार ये पॉइंट जो है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और अगर आप मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा वायरल चली जाएगी। तो आपको स्क्रिप्ट जो है यहां से मिलेगा, आपको कंटेंट यहां से मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप कंटेंट ढूंढना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया चार जगह पे मिलेगी, तो दूसरी जगह है गूगल। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए मोटिवेशनल कोट्स, तो यहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिलेंगी जहां पे आप जाके मोटिवेशनल कोट्स ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है कंटेंट ढूंढने के लिए। तीसरी जो जगह है वो है प्ले स्टोर। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे मोटिवेशनल कोट को लेके, तो वहां से भी आप कंटेंट ले सकते हैं और ये बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं होगा, आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी जगह है वो है इंस्टाग्राम और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप इंस्टाग्राम में कोई भी मोटिवेशनल कोट के पेज उठा लीजिए, पे आप उन कंटेंट को ले सकते हैं अपनी मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो के लिए। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो है स्क्रिप्ट। तो आप स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर यूट्यूब के अंदर जाते हैं तो यूट्यूब से अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पे आप कोई पॉइंट उठा लीजिए कि यार ये पॉइंट जो है इसको मैं और बेहतर बता सकता हूं या फिर यहां पे ये होना चाहिए तो ये जो वीडियो है अच्छी वायरल चली जाएगी। तो आप कॉन्टेंट वहां पे पढ़िए, देखिए उस वीडियो को और इसके बाद आप नोटबुक में या नोट कॉपी जो है आपकी उसमें लिख लीजिए या फिर लैपटॉप में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए। लैपटॉप में आप नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर लिख सकते हैं, मोबाइल में आप जहां पे चाहें तो उस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट वीडियो। तो वीडियो दो तरीके से आप बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं एक फेस कैम, दूसरी वॉइस ओवर। तो अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो फेस कैम भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसमें तो आप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे बहुत तेजी से आपका जो चैनल है उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई नॉर्मल बैकग्राउंड है, अगर आपकी दीवार है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस कैम वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, pixabay.com सर्च करिए, एक ये वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट है pixels.com। तो ये दो वेबसाइट है जहां पे आप अच्छे खासे थोड़ी कीवर्ड यूज करिए जिस बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप सर्च करिए मोटिवेशनल या मोटिवेशन और ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। तो आप वहां पे डाउनलोड करिए वीडियो को और आप जो भी वीडियो बनाते हैं अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे जो चौथी चीज है वो है वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिटिंग। तो अगर आप कैमरे से वीडियो बना रहे हैं तो भी वहां पे आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, या फिर आप मोबाइल से बना रहे हैं या नॉर्मल आप अगर वॉइस ओवर वीडियो बना रहे हैं तो यहां पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल जो आपके मोबाइल के अंदर होता है उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ी सी एडिट जरूर करना है क्योंकि वॉइस का बहुत ज्यादा रोल होता है यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। तो अगर आप जाएं तो आपको एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो चार ऑप्शन में एक जो सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड एंड ऑडियो, तो यहां से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा, आप नॉर्मल डिफॉल्ट किसी भी ऐप से करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो होगी सेम होगी। यहाँ पे ओपन एन ऑडियो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे उसे आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे उस ऑडियो को उठाने के बाद आप यहाँ पे इसे काफी ज्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप गर्ल्स के जैसे एडिट कर सकते हैं, वॉइस वॉइस
इसमें एडिट कर सकते हैं या बेस बढ़ा सकते हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इको थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी इको ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी इसको कम कर देता हूँ, तो इसको मैं ले जाता हूँ 7-8 तक। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, तो इसे मैं पॉज करता हूँ और इसे हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करिए और आप जहाँ चाहें जिस क्वालिटी में चाहें उसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप भले साउंड एडिट कर लिए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड आपका और भी बढ़ जाता है। तो आप अपने यूट्यूब की क्रिएटिव स्टूडियो में और यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे आइए ऑडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे जो लास्ट आता है वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो को कैसे एडिट करना है आओ मोबाइल में ले आता हूँ आपको। और यहाँ पे आने के बाद आप कोई सा भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पावर डायरेक्टर यूज कर रहे हो, काइन मास्टर यूज कर रहे हो, तो ये थोड़ी पैसे वाले होते हैं। मैं आपको फ्री एक ऐप बताता हूँ, इन शॉर्ट वीडियो एडिटर। यहाँ पे आप फ्री में वीडियो एडिट कर सकते हो, ₹1 आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आने के बाद देखो इनशॉट वीडियो एडिटर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना होगा और आप वीडियो उठा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखा है pixabay.com से, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये तीन वीडियो लिया हूँ, तीनों वीडियो को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। तीनों वीडियो को उठाने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा वाटरमार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसे कट करेंगे और यहाँ पे देख मिल रहा है फ्री रिमूव, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये फ्री में रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास पहला ऑप्शन आता है वो आता है कैनवस का। तो यहाँ पे आप इसे मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आपको स्क्वायर में इसको लेना है, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो है हमारी उसे थोड़ी सी मैं इसे जूम कर लेता हूं। अब यहां पे बात आती है म्यूजिक की, तो म्यूजिक मैं लेता हूं और क्योंकि जो मैंने एडिट करा था तो उस म्यूजिक को मैं यहां पे उठा लूंगा। तो यहां पे ट्रैक पे मैं क्लिक करता हूं और जो भी मेरी म्यूजिक है उसको मैं यहां पे ले लेता हूं। तो ये स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग है, इसको मैं यहां से ले लेता हूं। अब थोड़ी आप सुन लीजिए मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। सक्सेस की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो ये मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की है, मैं इसे यूज पे क्लिक कर देता हूँ और यूज पे क्लिक करने के बाद ये जो है तो ये यहाँ पे आ गया है। अब देखो जो मेरी वीडियो है काफी बड़ी है लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो छोटी सी है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसको आने के बाद यहाँ पे जो ये वीडियो है इसे मैं थोड़ी सी छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद अब आप यहाँ पे स्टिकर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर फिल्टर लगाना चाहें फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप जो मेन है टेक्स्ट, तो देखो आप टेक्स्ट लिखेंगे तो और अच्छा बेहतर आपकी वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपकी जो वीडियो है वायरल होने की संभावना और बढ़ जाती है, अगर आप मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये जो कोट्स है ना तो मैंने गूगल से उठाया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं जो बोला हूँ सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी आने के बाद मैं सीधे वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जितना मैंने बोला है उतना ही यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं थोड़ी सी इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसको आपको सेट करना है, तो फिलहाल मैं इसे सबसे पहले आगे ले जाता हूँ। ये मैंने लेके आ गया इसको। अब मैं थोड़ी इसको देखता हूँ और ये जो है इसको मैं टेक्स्ट को नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सुनते हैं सक्सेस की खास बात यह है। हाँ गुड। अब इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो ये पहली चीज वाली जो थी सॉरी इसको मैं ऊपर उठा के दूसरे में रख देता हूँ। सेकंड नंबर क्या है, जैसे अगर इस पे आप सेलेक्ट करें और इसको नीचे करें और इसे भी हम एडिट करेंगे तो दूसरा लाइन जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप और अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटा करके नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे ट्रांजिशन भी आप लगा सकते हैं। आप जब इस ऐप के अंदर आएंगे ना और थोड़ी सी यूज करेंगे एक आध दो घंटे तो आप अच्छी वीडियो यहाँ पे बना पाएंगे। तो अब लास्ट वीडियो ये बन गई। वीडियो बनने के बाद यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसे जिस भी रेजुलेशन में चाहे उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। आखिरी में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सक्सेस की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो यार मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।